सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। किशोर नीतीश पर क्या वार, कहा नीतीश कुमार जी ने अपने सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए कहें। दिवाली से पहले बंगाल उड़ीसा में खतरनाक तूफान सितरंग की आहट, सितरंग को लेकर तेज हुई तैयारी, पहले ही जारी कर दी गई चेतावनी। आंध्र प्रदेश 1 लाख रुपए नहीं चुकाने पर बॉस ने किया पति पत्नी और बच्चे का अपहरण, जांच में जुटी पुलिस। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन, आज रायपुर से फिर शुरू हुई कल तेलंगाना प्रवेश। चार सौ से ज्यादा मामले सूचीबद्ध नहीं होने पर मुख्य न्यायाधीश यूई ललित नाराज, का जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेंगे। नागालैंड के मंत्री तेजमन भी कोरियन पॉप की दीवानी, बोले सोने से पहले जरूर सुनता हूं। बंगाल में स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर कसा तंज, बोले आधी रात को अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज क्यों। जीतन राम मांझी ने समझाया, गणित राजनीति में कुछ भी संभव है, यदि मुख्यमंत्री बीजेपी में दोबारा शामिल होते हैं तो इसका स्वागत करेंगे। ललन सिंह ने लगाए सभी कयासों पर विराम, कहा जदयू राजद का गठबंधन आजीवन, 2024 में नजर आएगी बीजेपी। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो का बड़ा बयान, कहा अलग राज्यों की पूर्वी नागालैंड के लोगों की मांग गलत नहीं। अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज, संजय राउत की जमानत पर सुनवाई 2 नवंबर तक टली, नवाब मलिक भी जेल में है। मध्य प्रदेश के रीवा में बस हादसे में 15 की मौत, 40 यात्री घायल, हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी बस। सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर तंज, राज ठाकरे से कहा मुझे आप कभी भी मिल सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, का ऐसे समय में जब लोकतंत्र खतरे में है कांग्रेस ने पेश की मिसाल। एशिया कप पर बीसीसीआई के फैसले पर ओवैसी का तंज, का ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेलते हैं। आजमगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में पटीदारों पर मर्डर का आरोप, 3 नामजद पर मुकदमा दर्ज। बागपत में मां बेटी ने घर में घुसकर बोला हमला, एक परिवार के 2 लोग घायल, पीड़ित बोले शिकायत करने पर नहीं दर्ज हुई, जान से मारने की धमकी भी दी। फतेहपुर में एएसपी के फॉलोअर की ट्रेन से कटकर मौत, तो बेटा बोला ड्यूटी करने के बाद घर लौट रहे थे, जेब में मिले आईडी कार्ड से हुई पहचान। मेरठ कनोहर लाल गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल बर्खास्त, सीसीओ प्रशासन बोला कुलपति का अनुमोदन जरूरी।
मुरादाबाद में एबीएससी लिखता था फर्जी नाम से गंदी चिट्ठियां लेटर भेजकर टीचर्स के कैरेक्टर पर सवाल उठाता था। आगरा में दीपोत्सव के लिए पुलिस ने की तैयारियां, बाजारों में पुलिस तैनात, ट्रैफिक संभालने को बनाए नए व्यवस्था। प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने के रैकेट का खुलासा, प्रयागराज में ब्लड बैंक से प्लाज्मा लेकर 50-50 ml के पैकेट 5000 तक बेचते थे। दिल्ली आगरा हाईवे पर सवारियों से भरा कंटेनर पलटा, शराबी ड्राइवर और क्लीनर हुए फरार, घायलों की अस्पताल में भर्ती किया। भदोही में मोबाइल की छिनैती करने वाले चार लुटेरे गिरफ्तार, राहगीरों से छीनते थे मोबाइल, अभियुक्तों के पास से फोन और बाइक बरामद। बीडीएस की छात्रा की मौत के बाद राज मोबाइल खोलेगा, क्लासमेट पर छेड़छाड़ के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। मथुरा में विधवा माताओं ने जलाए खुशियों के दिए, वृंदावन में निराश्रित एवं विधवा मिश्र विधवा ने मनाए, माताओं ने मनाई दीपावली। फेस्टिव सीजन में बुखार का कहर, डेंगू से तड़प रहे मरीज, सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड फुल। आरएसएस ने चलाया एक दीप तीर्थ के नाम अभियान, संबल के मनोकामना तीर्थ पर दीप जलाकर किया शंखनाद, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। ट्रेन के लिए स्लीपर कोच में पढ़ी गई नमाज, गलियारों में बिछाई चादर, चार लोगों ने की नमाज, यूजर बोले हिंदुओं को दिखाया जा रहा है शक्ति प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच में एक होटल को किया सील, मानक पूरा न होने पर दो को दी चेतावनी, होटल मालिकों पर हड़कंप। फरुखाबाद में हिस्ट्री शीटर को मारी गोली, घायल सट्टे का विरोध करने पर झोंका फायर, पुलिस चौकी से चंद कदम दूर की घटना। पुलिस की निगरानी में हुआ बलिया की बेटी का दाह संस्कार, मेले में आरोपी नौशाद ने काटी थी पीड़िता के हाथ की नस, बढ़ाई गई हत्या की धारा। मिर्जापुर में पिकअप की टक्कर से दो युवकों की मौत, टायर फटने से अनियंत्रित हुई थी पिकअप, बाइक से घर जा रहे थे दोनों। चंदौली प्रशासन त्यौहार को लेकर अलर्ट, डीएम ने 5 सुपर जोनल, 15 जोनल और 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट को कानून व्यवस्था के लिए किया गया तैनात। कन्नौज में अनियंत्रित कार पलटी, दंपति व बच्चा घायल, सैफई मेडिकल कॉलेज को रेफर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। आसपास सफाई कर डेंगू से कर सकते हैं बचाव, गाजीपुर में डेंगू पॉजिटिव आने के बाद हुआ ये जानकारी दी गई। सीतापुर में कोटेदार को पीटने वाले एसडीएम का तबादला, कमरे में बंद कर की थी पिटाई, राखी वर्मा को मिला कार्यभार। सुल्तानपुर में बाइक सवार सिपाही को डंपर ने मारी टक्कर, सिपाही के सिर और चेहरे पर आई चोटें, ट्रामा सेंटर लखनऊ में रेफर किया गया। मैनपुरी में नवविवाहिता ससुराल से लापता, पिता बोले हत्या कर शव को जलाए, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। कानपुर देहात में यमुना नदी में मिला चौकीदार का शव, दो दिन से लापता, परिजन
गोंडा में समस्या का समाधान न होने पर नाराज युवक चढ़ा पानी की टंकी पर, मंदिर पर दबंग द्वारा कब्जा करने का है मामला। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया आदेश, दीपावली त्योहार पर मिली निर्बाध बिजली। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिया मऊ जिले को दिवाली पर बड़ा तोहफा, जिले में अब बनेगा मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। तीन दिवसीय दीपोत्सव का हुआ आगाज, मुख्य मंच के सामने बनाया जा रहा दीयों से राम मंदिर, लेजर शो बना आकर्षण का केंद्र। अलीगढ़ में दहेज लोभी पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर तीन तलाक दी, पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। रात भर धरने पर बैठे हरीश रावत का, अगर कांग्रेस ही एक नहीं हुए तो कपड़े में लपेट कर गंगा में फेंक देगी भाजपा। उत्तराखंड के थराली में भूस्खलन से गिरे तीन मकान, एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं के सरसार का खुला, राज्य वन विभाग और भारतीय वन जीव संस्थान की टीम ने की गणना। उत्तराखंड के कोटीदार में युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला गिरफ्तार, लंबे समय से कर रहा था परेशान। उत्तराखंड में बाघ का शिकार करने आए बिजनौर व मेरठ के तीन शिकारी दबोचे, कब्जे से बंदूक सहित अन्य हथियार भी बरामद। उत्तराखंड में शूटरों की गिरफ्तारी पर खुलेंगे कई राज्य, तीन वर्षों से वारदातों में कनाडा कनेक्शन पर नजर। उत्तराखंड में चोटियों पर हिमपात का क्रम जारी, अगले कुछ दिनों शुष्क रह सकता है मौसम। उत्तराखंड के नैनीताल में सीवर की समस्या का होगा समाधान, सर्वे पूरा अगले साल इस महीने शुरू होगा काम। तीन माह में तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ का तबादला, नहीं तैनाती किसी को नहीं, सीटीआर उपनिदेशक की कुर्सी भी खाली। उत्तराखंड में एक ही डिजाइन में नजर आया हल्द्वानी का पुराना बाजार, विद्युत लाइन होगी भूमिगत। उत्तराखंड नर्सिंग अधिकारी पद पर वर्षवार ज्येष्ठता के आधार पर होगी नियुक्ति, हाईकोर्ट में उत्तराखंड सरकार ने दिया शपथ पत्र। हरिद्वार में कब्रिस्तान के पास देहरादून दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आए दो लोग, दोनों की मौके पर मौत। उत्तराखंड सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों को दिया दिवाली तोहफा, 8 साल बाद पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ा। उत्तराखंड में ग्लेशियर पर मंडरा रहा खतरा, बुग्यालों में बढ़ रहा है भूस्खलन, 40 साल बाद 700 मीटर पीछे खिसका। अस्सी वर्ष की उम्र में गोल्फ, नैनीताल में महाराष्ट्र के गवर्नर ने लगाए शॉट, जनसंगी साथी के परिवार से मिल हुए भावुक। कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग का आखिरी दिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीएम केंगयांग को हटाया चार टॉप लीडर भी बाहर।
एक्सटेंशन नहीं चाहिए, 5 हफ्तों में रिटायर हो जाऊंगा, पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगा झटका, कोर्ट ने छात्र ऋण माफी योजना पर लगाई रोक। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के आवास पर मनाई गई दिवाली, फुलझड़ियों ने लोगों को किया आकर्षित। ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर से मिले ईरान और चीन से जुड़े खुफिया दस्तावेज, एफबीआई ने पिछले महीने में की थी छापेमारी। इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी जियार्जिया मेलोनी आज लेंगी शपथ, अप्रवासियों समलैंगिक के विरोध पर मिला समर्थन। ब्रिटेन में फिर प्रधानमंत्री चुनाव, 24 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन, ब्रिटेन में ये दिवाली भारत वाली की गूंज। इमरान समर्थकों ने ईसी ऑफिस पर की फायरिंग, भ्रष्टाचार केस में पूर्व पीएम को 5 साल आयुक्त ठहराने पर बवाल, संसद सदस्यता भी की गई। फेड की ग्रेलिस्ट से बाहर आए पाकिस्तान, मॉनिटरिंग एजेंसी का दावा, ट्रेड फंडी में कमी आई, अब वर्ल्ड बैंक से मिल सकेगी मदद। गन कल्चर पर कनाडा सरकार का सख्त एक्शन, हैंडगन की बिक्री पर लगाई रोक, पीएम ट्रूडो बोले जरूरी थी कार्रवाई। सोने में सिक्का खरीदना सबसे फायदेमंद, 5 सालों में 30,000 से 50,000 पहुंची कीमत, भारत में घरों में रखा सोना अमेरिकी खजाने से 3 गुना ज्यादा। SBI में FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी, 1 साल के FD पर अब मिलेगा 6.10% ब्याज। पंद्रह दिन में सोने का दाम 2,000 रुपए घटा, 500 ग्राम सोने का सिक्का करीब 25,800 रुपए में मिल रहा है, चांदी 5,000 रुपए सस्ती। रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2 रिजल्ट, कॉन्सिलेटेड नेट प्रॉफिट 13,656 करोड़ रुपए हुआ, जियो का मुनाफा 28% बढ़कर। अक्टूबर के पहले हफ्ते 18% लोन डिमांड, त्योहारी सीजन में बैंकों ने बढ़ाए, दिन में बढ़े 2.31 लाख करोड़ के कर्ज। लगातार कमजोर हो रहे रुपए के बीच विदेशी मुद्रा भंडार घटा, 2 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर। ATC से 1,600 करोड़ रुपए जुटाएगी वोडा, आइडिया निदेशक मंडल की मंजूरी मिली। पूरी तरह से बदल जाएगा अनिल अंबानी की कंपनी का ढांचा, 4 हिस्सों में बटेगी रिलायंस कैपिटल। ईडी ने रेजर पे व अन्य कंपनियों के ठिकानों पर दी दबिश, 78 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज। DGCA ने स्पाइस जेट पर लगी पाबंदी हटाई, पूरी क्षमता के साथ कर सकेगी ऑपरेट। मेलबर्न की गलियों में दिखा टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जलवा, दीवारों पर रोहित विराट की बनाई गई पेंटिंग। विक्टोरिया के गवर्नर को कप्तान रोहित शर्मा ने गिफ्ट की टीम इंडिया की जर्सी, पूरी टीम ने गवर्नर लिंडा डी सू की मुलाकात की।
नेट्स पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गेंद से डरे कप्तान रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक की तारीफ की। न्यूजीलैंड मुकाबले से पहले आरोन फिंच ने कहा, बैकअप विकेटकीपर के बजाय ग्रीन का चयन जोखिम भरा। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सुरेश रैना का भविष्यवाणी, बोले अर्शदीप सिंह बाबर आजम को करेगा आउट। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में जिम्बाब्वे जीत के हीरो सिकंदर राजा ने बताया अपने दिल का हाल। शाहिनशाह अफरीदी के लिए अतिरिक्त तैयारी, रोहित शर्मा ने महा मुकाबले से पहले नेट्स पर इस गेंद की प्रैक्टिस की। युवराज सिंह बने ब्लाइंड टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर। विक्टोरिया के गवर्नर से मिले टीम इंडिया के खिलाड़ी, बीसीसीआई ने शेयर किया फोटो। मैच से पहले बोले रोहित, 9 साल से आईसीसी टूर्नामेंट के बड़े मैच न जीत पाने का मलाल, इस बार हम तैयार। ब्लैक ड्रेस में आदित्य और अनन्या की जबरदस्त ट्यूनिंग, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पोज देते नजर आए। ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज डेट में हुआ बदलाव, 29 जून की जगह अब 23 जून को रिलीज होगी फिल्म। कार्तिक की फिल्म की वजह से लिया गया फैसला। थैंक गॉड के मेकर्स का बड़ा फैसला, चित्रगुप्त और यमदूतों के नामों में बदलाव किए गए। साड़ी में स्ट्रगल करती नजर आई खुशी कपूर, बहन जानवी कपूर ने मुस्कुराते हुए मदद की। अपने ड्रीम रोल पर रश्मिका मंदाना बोली, मौका मिला तो साउथ एक्ट्रेस सौंदर्य का किरदार बड़े पर्दे पर निभाना चाहूंगी। सलमान खान को डेंगू हुआ, बिग बॉस 16 की शूटिंग कैंसिल कर दी गई। कैटरीना ने शेयर किया पुराना एक्सपीरियंसेस का, साया फिल्म से मिले रिजेक्शन से अंदर तक टूट गई थी। मौनी रॉय का ट्रेडिशनल लुक आया सामने, व्हाइट एंड ब्राउन लहंगे में आई नजर, रैंप वॉक पर बिखेरा जलवा। भिड़ने को तैयार राम सेतु और थैंक गॉड, दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग स्टार्ट, राम सेतु के टिकटों पर ज्यादा रेट। करिश्मा ने शेयर किया एथनी लुक वाला वीडियो, मरून कलर की नेट फैब्रिक साड़ी में कमाल की दिखी एक्ट्रेस, यूजर्स ने कमेंट कर लुटाया प्यार। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।